भूख लगी है तो फिर चलें शाहीन शिनवारी चलते हैं और विज़िट करते हैं और खाना टेस्ट करते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, एम्बियंस कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमल खान और आज मैं आई हूँ शाहीन शिनवारी सुपर हाईवे पे। ठीक है जी, टाइमिंग है यहाँ की शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक की। एंटर हो चुकी हूँ मैं अंदर, वेटिंग एरिया है, वेट करना पड़ता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारा वेटिंग एरिया है यहाँ पे, मैंने भी तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे वेट किया है, उसके बाद ही हमें टेबल में ली है। अच्छा जी, मैंने एक पहले रिसेप्शन आपको दिखाया है और एक मैं अब रिसेप्शन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ के 2 रिसेप्शंस हैं, ये अंदर की तरफ जो पार्किंग है ये उसका रिसेप्शन है और पहले जो रिसेप्शन दिखाया है वो मेन रोड का रिसेप्शन है। तो एंट्री आप दोनों तरफ से ले सकते हैं, चाहे मेन रोड से लें अगर कार पार्किंग आपको वहाँ पर मिलती है, या इनकी अंदर जो पार्किंग है वहाँ पर मिलती है। अंदर चलते हैं, टाइम हो गया है जी हमारा अंदर जाने का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का सारा इन्वायरमेंट लग रहा था और जो ग्रास फ्लोर है उस तरह के भी थे, यहाँ पे टेबल्स भी थे और इसके अलावा जी यहाँ पे तख्त पोश सिस्टम बहुत ज़्यादा था। ओके जी, तो कल रात की ये वीडियो है, तकरीबन 11 बज गए थे मुझे, मैं यहाँ पर गई हूँ और इतनी रात को भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था। तो अब जी यहाँ पे हमें हमारा सिटिंग एरिया मिल गया, तख्त पोश मिला हमें यहाँ पे इतना वेट करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, अब मेन्यू मंगवाया है मैंने और उसके बाद जी मेन्यू आप लोग भी स्टॉप करके देख लीजिएगा, रेट्स वगैरह इनके बहुत अच्छे हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स मैं विज़िट कर चुकी हूँ इनके रेट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं और खाना कैसा है वो तब बताऊँगी मैं। अच्छा, उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर किया, फिर इनका किचन का विज़िट करेंगे। ठीक है, पहले मेन्यू देखें आप और फिर चलते हैं हम किचन की तरफ। चलें जी, तो चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं क्या क्या खाने बन रहे हैं और किस किस तरह के बन रहे हैं। काफ़ी रश था यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे सारा जो है वो कैश काउंटर वगैरह है, उसके आगे सारे खाने बन रहे हैं। चपली कबाब बड़े मज़ेदार यहाँ पे लग रहे थे और बड़े अच्छे यहाँ पे बन रहे थे। अच्छा, मुझे यहाँ की जो चपली कबाब की जो क्वांटिटी है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी बड़े बड़े चपली कबाब लग रहे थे और खुशबू भी बड़ी मज़ेदार सी आ रही थी। मैंने सोचा चपली कबाब ज़रूर यहाँ के ट्राई करने चाहिए। चपली कबाब में साथ ये जो टमाटर और मिर्चें फ्राई कर रहे थे इसकी तो भाई क्या ही बात थी। और जब मिर्चें गई हैं इस ऑयल में, अब ऑयल ये जैसा भी है लेकिन जब गई हैं तो क्या खुशबू आई है इनकी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ यहाँ पे इनका सारा सज्जी का सिस्टम है, तो ये सारी सज्जी तैयार हो रही है।
इसके अलावा जी यहाँ पे ये सारा कटाकट का पूरा सेक्शन है, और क्योंकि टाइम आउट हो गया था कि मुझे भी आते आते तकरीबन यहाँ पे 11:30-12 हो गए थे, और फ्रेशली मीट यहाँ पे कट रहा होता है और बन रहा होता है, और फिश यहाँ पे वो भी बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी, वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जी सब्जी तैयार हो रही है और यहाँ पे मुश्का फिश ये फ्राई हो रही है। अच्छा, जगह जगह इनके काउंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, और यहाँ पे मॉकटेल काउंटर है, और इसके अलावा चाय का काउंटर है। चाय के काउंटर पे चलते हैं, देखते हैं कि चाय यहाँ की कैसी है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो मॉकटेल बार आया है, और यहाँ पे कोई चीज़ें फ्रेशली तैयार हो ही नहीं थी, मेरे सामने सामने यहाँ से ऑर्डर गया है। इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे चाय का है स्टॉल, और पूरा काउंटर इनका ये चाय का है, और चाय की सर्विंग बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी, प्यालों में ये लोग करते हैं, ये स्टील के प्याले हैं, वरना यूजुअली हमने देखा है कि मिट्टी के प्याले होते हैं, वरना ये देखें यहाँ पे ये स्टील के प्याले हैं, और 180 का कप है ये। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा कि ट्राई करेंगे ये भी, लेकिन अभी और दिखाती हूँ। यहाँ पे जी पान, पान का यहाँ पे स्टॉल है, ये भी बड़ा अच्छा मज़ेदार सा पान भी यहाँ का बहुत अच्छा था, हमने ट्राई किया पान, मीठा पान जो होता है वो हमने ट्राई किया। मेरे ख्याल से 90 रुपीज़ का पान था यहाँ का, इतना कलरफुल इतना प्यारा ये लग रहा था, तो हमने जाते जाते यहाँ का पान ज़रूर ट्राई किया था। अच्छा, पान की काफ़ी सारी वैरायटी थी, मैंने लिस्ट मेंशन कर दी है, रेट लिस्ट वो देख लीजिएगा। इसी के साथ ही बिल्कुल आइसक्रीम और डिज़र्ट का पूरा सेक्शन बना हुआ था, और यहाँ पे भी चीज़ें तैयार हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारा कुनाफा जो है वो तैयार हो रही थी डिशेस, और कुनाफा पहले इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, ये सामने बिल्कुल रेडी हुआ है, सो देखेंगे ये भी ट्राई करेंगे कि ये भी कैसा होता है। इसके अलावा जी यहाँ पे आगे चलते हैं गोल गप्पे का। अच्छा, ये मैंने सोचा कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन नहीं किया मैंने, तो इसका मुझे बड़ा दुख है। अच्छा, सर्व ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, इन कप्स में उसका पानी होता है, और इतने प्यारा ये इसको डेकोरेट करके देते हैं। खैर, किचन देख लिया हमने, अब हम चलते हैं अपने तख्तपोश की तरफ, और ऑर्डर हमारा क्योंकि आ चुका था, अब देखें जी हमने क्या क्या मंगवाया है और कैसा टेस्ट है ये भी बताऊँगी। ओके जी, डिनर आ चुका है, और मुझे लगा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारे ऑर्डर को क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन थोड़ा सा टाइम आउट हो रहा था, शायद इस वजह से ऑर्डर थोड़ा जल्दी बन गया। तो यहाँ पे जी मैंने मंगवाया है जो रेगुलर कढ़ाई होती है, हाफ कढ़ाई, वो हमने ऑर्डर की है। इसके अलावा चपली कबाब, मैंने आपको बताया था कि चपली कबाब इतने मज़ेदार लग रहे थे, तो हमने ये ऑर्डर किए, सो टेस्ट करेंगे और बताऊँगी कि कैसा है। ओए होए होए, जब इसको हमने इस तरह से ओपन किया और इसमें से जो खुशबू आई है ना, ओ माय गॉड, इवन मुझे बीफ बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने खुद से ही ऑर्डर किया, और जब मैंने ऑर्डर किया तो मेरे हस्बैंड भी मुझे देखने लगे कि बीफ तो ये कभी खाती ही नहीं है, तो इसने चपली कबाब कैसे ऑर्डर कर ली है। और यहाँ पे ये देखें, धुआंदार मज़ेदार से चपली कबाब, आई कांट टेल यू कितने मज़े के थे। सो मैंने जब इसकी पहली बाइट ली है, पहले तो मैं इसको देखती ही रही हूँ कि ये इतना प्यारा लग रहा था, फिर मैंने सोचा चलो जी इसकी बाइट लेते हैं, और फिर मैंने सही से इसकी बाइट ली, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। और मैं ये चीज़ शायद आज रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने बीफ चपली कबाब क्यों नहीं खाया, मुझे खाना चाहिए था, या शायद जो मैंने पहले खाए वो मुझे अच्छे नहीं लगे और यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, आई डोंट नो। ओ भाई, ये जो फ्राई मिर्च का तड़का था ना इसके साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त, क्या कॉम्बो था, और इतने जूसी, इतने मज़ेदार, और स्पाइसी थे, लेकिन इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, बिल्कुल मसाला बिल्कुल अपनी जगह पे ना फिट बैठ रहा था, ना बहुत ज़्यादा फीका था, ना बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले थे। और फिर मैंने सोचा चलें भाई ये बेचारी, इसको भी आज पूछ लेते हैं, वरना मैं हमेशा जाती हूँ तो मैं चिकन की चीज़ों पर ही अटैक करती हूँ और मुझसे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन धुआंधार ये जो कढ़ाई थी,
और कढ़ाई के अंदर जो खाने का मज़ा है, क्या ही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी यहाँ की, इन लोगों ने ग्रेवी बहुत अच्छी अच्छी खासी इन्होंने ग्रेवी बनाई हुई थी इसके साथ। मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेवी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रेवी अच्छी खासी क्वांटिटी में थी। हाफ कढ़ाई थी और ये हमसे ख़त्म नहीं हो पा रही थी कि हम इसको कैसे ख़त्म करते। इतनी मुश्किल से हमने ये खाना ख़त्म किया, क्योंकि एक तो क्वालिटी भी ज़बरदस्त, ऊपर से क्वांटिटी भी ज़बरदस्त, और सोने पे सुहागा इनका जो बिल था वो भी ज़बरदस्त। मुझे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रही थी कि इतना सा सिर्फ बिल बनेगा, और क्योंकि बाकी मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ तो मेरा आराम से 5-6 हज़ार का खर्चा आराम से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये बिल आया तो आई एम वेरी अमेज्ड कि ये क्या हुआ। और खाना इतना था कि हमसे खाया नहीं जा रहा था वो खाना। और उसके बाद ये हुआ कि भाई, और मैंने बहुत कुछ ट्राई करना था लेकिन पेट इजाज़त नहीं दे रहा था। अच्छा, प्ले एरिया था यहाँ पे, और फिर मैंने कहा वहाँ चलते हैं। ये रेट लिस्ट मैंने सामने मेंशन कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, एक बात है, प्ले एरिया इनका टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे भी गई हूँ प्ले एरियाज बहुत अच्छे अच्छे थे, यहाँ पे बस नॉर्मल था। अच्छा, इसके अलावा मैं आई हुई यहाँ पे फर्स्ट टाइम हूँ, हाईवे में मैं आई ही फर्स्ट टाइम हूँ। हाईवे पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं मैंने कभी भी यहाँ पे आके खाना ट्राई नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी। और मुझे लग रहा था ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है यहाँ का, क्योंकि इसके प्ले एरिया से मुझे पता चल रहा था कि, क्योंकि बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा था मुझे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये कॉइन्स वाले जो राइड्स वगैरह हैं ये भी सारे बच्चों के मौजूद थे, और काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें थी। इसके अलावा डॉजिंग कार भी थी, वो भी दिखाती हूँ। उसका मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ का उसका टिकट है। अच्छा, फन फैक्ट्री में ये जो सामने बच्ची बैठी है, इसको चोट लग गई थी, और ये जिस तरह से इधर मुंह बना के बैठी थी, और फिर इसने मुझे बताया कि मुझे चोट लगी है, और मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं उससे बातों में लग गई थी। बहुत क्यूट बच्ची लग रही थी। अब अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बच्चे और भी यहाँ पे खेल रहे थे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि टाइम आउट हो गया, इस वजह से वीडियो में आपको इतना रश नहीं लग रहा, वरना जिस टाइम पे मैं गई थी बाहर वेटिंग एरिया में, उस टाइम पे यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा रश था। इसके अलावा जी, यहाँ पे जो जंपिंग कैसल हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, और वहाँ पे भी बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा, ये भी होता है कि मैं जब जहाँ पे भी जाती हूँ तो बच्चे कैमरा देख के भी ना थोड़ा सा शाय फील करते हैं और वहाँ से साइड हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं, तो वो उनको शर्म ही आ रही होती है कि हमारी वीडियो बन रही है। ओके जी, डॉजिंग कार इनके बाहर की तरफ पूरा स्पेस बना हुआ है वेटिंग एरिया के बिल्कुल साथ, तो ये वहाँ पे है, और इसका जो टिकट है ये 200 रुपीज़ का है। ओके जी, तो प्ले एरिया से मैं बाहर आ चुकी हूँ, और मेरे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं जिस भी हवाले से, चाहे मैं किसी पार्क में जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, या किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ, मेरे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। जो पर्सनली मैं जैसा फील करती हूँ मैं उसी तरह से आप लोगों को बता रही होती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ओके जी, रेस्टोरेंट तो मैंने अंदर से सारा आपको दिखा दिया है। फैमिली का यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम है, फैमिलीज जहाँ पे मैं बैठी थी वो सारा फैमिली एरिया था, और इनका जो किचन साइड है वहाँ पे सारा मेल्स का एरिया था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फीमेल्स के लिए प्रेयर एरिया भी है, ये मुझे जाते जाते पता चला। यहाँ पे ये जो आप बिल्कुल ये कॉर्नर पे देख रहे हैं ये लेडीज़ प्रेयर एरिया था। ये पूरा सारा रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ, इसके साथ ये सारा इनका पार्किंग एरिया है जो अंदर का है, ठीक है। ये सारा अंदर का एरिया है पार्किंग का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे भी एक रिसेप्शन है, और बाकी इनका जो फ्रंट साइड का है ये फ्रंट का है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे जो फ्रंट का जितना है वहाँ पे आपको दूसरा रिसेप्शन मिल जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खाना मैंने आपको बता दिया, मैं कहती हूँ 10/10। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।